ये हमारी सवारी है और इसी के ऊपर सवार करके हम पूरा डीफू टाउन जो है वो घूम रहे हैं। हम दोनों टाउन घूम रहे हैं वो भी लोकल ऑटो में, और यहाँ पे चीज़ें इतनी अच्छी है कि यहाँ पे आपको कन्वीनियंट चीज़ जो ट्रैवलिंग के लिए है वो है ऑटो, और ये आपको हर जगह पे मिलेंगे, हर कदम पे मिलेंगे। तो अब हम जा रहे हैं मेन टाउन की ओर जो है वो पी रहे हैं। तो जुंडी को बहुत भूख लगा है। तो आज डीफू में हमारा सेकंड पॉइंट जो है वो है मातीपोंग में आर्बोरेटम कम क्राफ्ट सेंटर है। ये बहुत ही अच्छा एक यहाँ का अट्रैक्शन प्लेस है, तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। आइए चलिए देखते हैं। सुबह के 8:30 बजे हैं और जैसे ही इस सेंटर का गेट खुलता है हम धमक जाते हैं यहाँ के नज़ारे को देखने के लिए। आर्बोरेटम कम क्राफ्ट सेंटर एक वेल प्लान कॉम्प्लेक्स है जिसपे पार्क, गार्डन, क्राफ्ट एंड एग्जीबिशन सेंटर भी है। कुल मिलाकर एक ब्यूटीफुल प्लेस है जहाँ पर पिकनिक और फन के लिए ये जाना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ और अपने लव वन के साथ टाइम स्पेंड करना, तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है इन डीफू। इतना ही नहीं, यहाँ पर फोटोशूट के लिए, वीडियोग्राफी के लिए आपको बेस्ट प्लेसेस मिलेंगे। बच्चों के लिए भी यहाँ पे खेलने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। खैर, वीडियो में छोटे से दिखा रही हूँ क्लिप, पर आप खुद आएंगे तो खुद ही जान जाएंगे। यहाँ का बेस्ट प्लेस अभी दिखाना बाकी है। ये सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, यहाँ पे एक छोटा सा, जैसा कहा कि एक छोटा सा ऑडिटोरियम है, और ये देखिए यहाँ पे लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं, प्रोग्राम देख सकते हैं, और ये है ओपन ऑडिटोरियम, यहाँ पे शायद फंक्शंस होते होंगे। तो ये देख के ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आई विश कि यहाँ पे प्रोग्राम हो और हम बैठ के देखें, है ना। चलिए पहले बैठ के देखने का थोड़ा मज़ा लेते हैं। वैसे तो समय कम है, लेकिन अगर आप एक दिन के लिए भी आते हैं, टाउन के बीच में है और यहाँ पे आकर आप थोड़ा सा टाइम तो स्पेंड कर ही सकते हैं। इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। खूबसूरत तो बहुत है और इसको घूम के ख़त्म करने में भी काफ़ी टाइम लगते हैं। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि और एक दो जगह भी हमें देख रहे हैं। चलिए तो यहाँ से निकलते हैं। और हमारे साथ आज ये भी जा रहे हैं यूसी गार्डन जा रहे हैं। हाँ। और उसके बाद ये टेंपल भी हमें दिखाने वाले हैं। राइट राइट अभी आप पहुँच गए यार। अभी हम पहुँच गए। वाओ, ये एक्चुअली में टाउन के बहुत अंदर ही है। वन मोर ब्यूटिफुल प्लेस इन डीफू, और ये फिशरी डिपार्टमेंट के अंडर आता है। तो यहाँ पे फिशेस की वैराइटीज है, सीजन पे यहाँ पे फिश के ऊपर बहुत ज़्यादा काम होता है। चलिए इसका एक ओवरव्यू आपको दिखाते हैं। यूसी चर्च के पास में ही ये एक फिशरी डिपार्टमेंट के द्वारा खोला गया एक पार्क है जहाँ पे हम आए हैं। बहुत छोटा है और बहुत ही खूबसूरत है। अब मैं जो दिखाने वाली वो है यहाँ पे दीवारों पे हर किस्म के मच्छी के, फिश की तस्वीरें। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ।
कुल मिलाकर 100 से भी ज्यादा मछलियों के वैरायटीज के बारे में यहाँ की दीवारों पर दिखाई गई है। इनमें से काफी सारे मछलियों के नाम तो मुझे भी नहीं पता। वेल, इस पार्क को अच्छी तरीके से घूमने के बाद हमें यहाँ पर कुछ लोकल लोग मिले जिनसे बातचीत करके ये जानने की कोशिश की कि यहाँ के टाउन में और हम क्या क्या देख सकते हैं। फिलहाल उनके कहे अनुसार हम निकल पड़े हैं टाउन के दर्शन के लिए और यहाँ पर हम पहुँचे हैं श्री शीतलावारी मंदिर, जो डिफू का सबसे फेमस मंदिर है। इतना ही नहीं, यहाँ के लोगों की मान्यता है कि जो भी यहाँ पर आकर माथा टेके उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। चलो हम भी माथा टेक ही लेते हैं। यहाँ से निकलकर हम पहुँचते हैं मार्केट के बीचों बीच खड़ी इस हनुमान जी के टेम्पल पर। यहाँ आकर मन बहुत खुश हो जाता है। खैर, यहाँ पे एक नई प्रथा है, कोविड के चलते पुजारी जी आपको सर पे टीका नहीं लगाएंगे, इसके जगह पे वो कुमकुम और शीशा दे देंगे, आईना दे देंगे, जबकि आप खुद ही अपनी सर पर कुमकुम लगा सकते हैं। मंदिर दर्शन करने के बाद हम पहुँचे हैं सीधे मार्केट में। अरे भाई, हम जब डिफू आए हैं तो लोकल मार्केट एक्सप्लोर करना तो बनता है। खैर, मैं और मेरी दोस्त, हम दोनों जमकर यहाँ कर लोगों की बार्गेनिंग में, दुकानों में बार्गेनिंग में लग जाते हैं और अपने अपने पसंद की चीज़ें खरीदने में भी लग जाते हैं। मुझे तो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है ये ज्वेलरीज। यहाँ पर सिक्कों से बनी ये ज्वेलरी आपका ध्यान आकर्षित ज़रूर करेंगी, और अगर आप लड़कियाँ हैं तब तो यहाँ पर स्ट्रीट से निकलना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। वेल, कुछ नेल पॉलिश, लिपस्टिक और कुछ एयरिंग्स के कलेक्शन के बाद हम यहाँ सर निकलने की कोशिश में लग जाते हैं और फिर मार्केट में पहुँच जाते हैं। डिफू का मार्केट सही में बहुत ही सुंदर है और बहुत ही छोटा है। आपको हर तरीके की सामान यहाँ पर उपलब्ध होगी। रेट के हिसाब से आप खुद ही जज कर लीजिएगा। फिलहाल मेरी दोस्त पहुँची है यहाँ के विशाल मार्केट पर और उसने अपने लिए कुछ खरीदारी कर ली है। इतना कुछ होने के बाद हम फाइनली पहुँचते हैं रात के खाने के लिए बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट पर, और यहाँ पर ये मेन्यू मुझे समझ में नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर कॉफ़ी और साथ ही साथ वेज नूडल्स ऑर्डर करते हैं। वेल, डिफू के ये दो दिन हमारे लिए बहुत यादगार रहेंगे और यहाँ पर घूम फिर कर हमें भी बहुत ही अच्छा लगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। फिलहाल असम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के बस को पकड़कर हम वापस गुवाहाटी जा रहे हैं। मैं और जुंडी का सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है। आप ज़रूर बताइएगा कि डिफू का ट्रिप आपको कैसा लगा।